हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम केयर। मैं हूं ऐश्वर्या। तो आज मैं बात करने वाली हूं प्रेगनेंसी में नाभि का बाहर आना, नाभि में दर्द एवं खुजली चुभन, ये सारे प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में क्यों होती हैं और प्रेगनेंसी में नाभि बाहर क्यों आ जाता है बहुत सारी महिलाओं का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो जानते हैं आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। तो चलिए वीडियो को शुरू। सो गाइज, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि नाभि का बाहर आना, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ बता दूँ कि जैसे जैसे आपके पेट का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे, खास करके सातवें महीने से आपके नाभि जो है वो आपका नाभि बाहर आने लगेगा। बहुत सारी महिलाओं का नाभि पहले से बाहर आता है, तो जब सातवें महीने से नाभि का बाहर आना शुरू होता है ये प्रोसेस, तो उनका जो नाभि है वो ऑलरेडी और भी ज़्यादा उभर कर दिखने लगता है। ओके, एंड आप देखोगे कि अगर आपने पतले कपड़े पहने हैं कॉटन के, तो उस वक्त वो नाभि में बहुत ज़्यादा उसमें क्लोज कांटेक्ट होता है एंड उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं या रगड़ा हो जाता है नाभि के साथ, तो नाभि में थोड़ी बहुत खुजली या दर्द या चुभन जैसा आपको महसूस होने लगता है और नाभि बाहर आपकी दिखने लगती है। तो इसलिए, क्योंकि एक तो मैं बता दूं कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चा बड़ा होते जाता है, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता जाता है, पेट का आकार बढ़ता जाता है, एमनियोटिक फ्लूड जिसमें कि द्रव जिसमें कि बच्चा पलता है, बच्चा रहता है, वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे नाभि का आकार भी बढ़ने लगता है और नाभि जो है बाहर की तरफ दिखने लगती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है। यही कारण होता है नाभि के बाहर निकलने का। अब बात करते हैं कि नाभि में खुजली की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी में, वो क्यों होती है। तो खुजली की प्रॉब्लम जैसे जैसे नाभि बाहर निकलने लगता है तो उसमें खुजली की प्रॉब्लम आने लगती है एंड जो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होती है, जो स्किन है, ऊपरी स्किन है, वो भी खिंचने लगती है। तो आप देखोगे कि पेट के आसपास एरिया में डिलीवरी के बाद आपको स्ट्रेच मार्क नज़र आएंगे और अगर आपने अपने पेट में इचिंग की है, खुजली की है, तो वो स्ट्रेच मार्क का भी काफ़ी ज़्यादा उभर के दिखने लगता है स्ट्रेच मार्क। अगर आपने प्रेगनेंसी में मांसपेशियों का जो खिंचाव होता है, पेट बाहर निकलने लगता है, तो अगर आपने खुजली नहीं की है देन आपको स्ट्रेच मार्क उतनी उभर के नहीं दिखेगी और आपको कह सकते हैं कि 6 महीने बाद ही स्ट्रेच मार्क अगर आए भी है तो वो गायब हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप पेट में या नाभि में के आसपास एरिया में खुजली कर देती हैं, स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा उभर के दिखने लगता है। तो अगर खुजली थोड़ी बहुत हो रही है तो आप उसको इग्नोर करें, उसमें एलोवेरा जेल लगाएँ या फिर नाभि में नारियल तेल आप लगा सकती हैं, उससे आपको खुजली से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर नाभि में दर्द हो रहा है तो उसके लिए घरेलू उपाय ये है कि थोड़े बहुत, मैं बात कर रही हूँ, अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा खुजली की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं अगर ये दर्द सहनीय है, थोड़ी बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि होता है कि नाभि जब कपड़ों से कांटेक्ट में आती है तो उस कांटेक्ट में आने के कारण नाभि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप नाभि को थोड़े से सुसुम पानी से, कॉटन के कपड़े से आप नाभि को सेक भी सकती हैं, जिससे आपको दर्द से राहत होगी। और अगर आपको और भी राहत पाने के लिए आप कॉटन के ढीले कपड़े पहन सकती हैं, जिससे कि नाभि में कॉन्टैक्ट कपड़े की ज़्यादा नहीं होगी, और नाभि पे आप बैंडेड का भी यूज़ कर सकती हैं नाभि को ढकने के लिए, जिससे कि नाभि अगर बाहर निकल रही है तो कपड़े में रगड़न ना खाए और नाभि में खुजली ना हो, स्क्रैचेज ना पड़े। तो इसके लिए आप ये सारे उपाय कर सकती हैं। अगर वहीं बात करें कि नाभि में ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि नाभि से किसी द्रव्य पदार्थ का निकलना या फिर नाभि में बहुत ज़्यादा दर्द होना, नाभि में स्वेलिंग होना यानी सूजन होना, नाभि में बहुत ज़्यादा खुजली होना, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, और भी अगर आपको अनकंफर्टेबल चीज़ या ऐसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो कि आपने अपने पूरे प्रेगनेंसी में ना इसके बारे में सुना है ना इसके बारे में देखा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, उनसे सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर नाभि में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि थोड़ी बहुत खुजली होना, थोड़ा बहुत दर्द होना, तो आप घरेलू उपाय के साथ इस चीज़ से निजात पा सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।